सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों बच्चों, आप सब साकुशल घर में रह कर के ऑनलाइन और यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और करेंगे बच्चों, है ना? मुझे पूरी आशा है बच्चों। मैं कक्षा दो में जो पाठ आज पढ़ा रही हूँ वो एक सुंदर सी कहानी है। ये अनमोल रत्न, कक्षा दो की अनमोल रत्न पुस्तिका है। इस पुस्तिका से तो सब बच्चे परिचित हैं, है ना? तो इसका पाठ दो, बकरी और भेड़िया। इस पाठ को मैंने दो भागों में बांटा है। भाग एक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। आज मैं इसके भाग दो को पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। ये एक बहुत ही शिक्षादायक कहानी है। इसके भाग एक में मैंने आपको बताया कि एक जंगल में एक बकरी रहती थी, उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे जिसका नाम रिंकी और पिंकी था। उसमें से एक शरारती थी और एक अच्छी थी। जो शरारती थी वो रिंकी बहुत ही शरारती थी और पिंकी बहुत समझदार थी। एक दिन उनकी माँ जो बकरी, वो अपनी माता जी के पास उनसे मिलने का जा रही थी और उसने अपने दोनों बच्चों से बोला कि बच्चों, मैं तुम्हारी नानी से मिलने जा रही हूँ और जल्दी ही वापस आऊँगी। जब मैं चली जाऊँगी तो तुम जल्दी से दरवाज़ा अंदर बंद कर लेना और कोई भी आए तो तुम लोग दरवाज़ा मत खोलना। आजकल बहुत ही मतलब सेफ जगह नहीं है, सुरक्षित नहीं है हम सब, है ना? और तुम छोटे हो। तो उन लोगों ने बोला ठीक है और वो ये बोलकर चली गई। ये तो मैंने बच्चों आपको भाग एक, इस पाठ के भाग एक में आपको बताया। अब आगे चलते हैं कि इसके भाग दो में मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ। जो ये भाग दो में मैं आपको बता रही हूँ, जब वो चली गई तो बकरी के जाते ही, जब बकरी वहां से चली गई तो उसके जाते ही एक भेड़िया, जो भेड़िया वहां पर एक भेड़िया भी रहता था, वो भेड़िया जल्दी से आ गया। उसने देखा कि इन बच्चों की माँ चली गई है। बकरी के जाते ही भेड़िया उसके घर पर जा पहुंचा। दरवाजा बंद था बच्चों, दरवाजा बंद था और खिड़कियां भी बंद थी। लेकिन अब वो भेड़िया करे तो क्या करे, वो बहुत चालाक और चतुर था। उसने क्या किया, अपनी आवाज बदली, अपनी आवाज बकरी की आवाज में बनाई। बकरी जैसे मैं करके बोलती है ना, तो उसने भी बकरी की आवाज में बोलकर बोला, बच्चों दरवाजा खोलो, तो मैं तुम्हारी मौसी आई हूँ। हाँ, तो बच्चों ने कहा नहीं, घर में मेरी माँ नहीं है, हम लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे। लेकिन वो इतनी चतुर थी, उसने कहा बच्चों तुम्हारी माता जी ने ही मुझे यहाँ भेजा है, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तो ये जैसे मौसी बोला ना, तो ये सुन के जो रिंकी जो शरारती थी वो दरवाजा जाके खोलने लगी। उतने में ही उसकी बहन जो पिंकी समझदार थी वो आई और उसने उसको रोका, नहीं रिंकी तुम दरवाजा मत खोलो, जरूर कोई गड़बड़ है। माँ ने जब हमें मना किया है तो हमें माँ का कहना मानना चाहिए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे हैं। तो जब मना किया तो ये जो ये भेड़िया थी वो बहुत चालाक थी, उसने कहा बच्चों दरवाजा खोलो, मैं करके बोली, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मौसी हूँ और तुम्हारी माँ ने मुझे बुलाया है। तो ये सुन करके जो शरारती रिंकी थी उससे रहा नहीं गया, वो नटखट थी, वो गई और जल्दी से उसने दरवाजा खोल दिया। इस चित्र में आप देख रहे हैं दरवाजा खुला है और जो भेड़िया है वो दरवाजे के पास खड़ा हुआ है और बकरी के दोनों बच्चे अंदर कमरे में हैं। और भेड़िये की नजर जैसे उन छोटे छोटे बकरी के बच्चों पर पड़ी, उसके मुंह में पानी आ गया और वो जैसे ही बकरी के बच्चों को खाने के लिए दौड़ा, उतने में कौन आ गया, बकरी के बजरिंकी और पिंकी की माँ आ गई। और जब माँ आ गई तब तो भेड़िये की हालत देखने वाली थी, उसके तो डर का ठिकाना नहीं था। वो भेड़िया जो था वो बकरी के दो सींग, जो पहने सींग थे नुकीले वाले सींगों से, बहुत डरता था और वो घबरा करके भागने लगा, भागा। और इस तरह से उन दोनों प्यारे से बच्चों की
जान बची। और फिर रिंकी ने क्या किया, रिंकी रोने लगी मम्मी को देखकर। उसने कहा कि मम्मी, और अपनी माँ से जाके चिपक गई। बोली, माँ मुझे माफ कर दो, आपने दरवाजा खोलने के लिए मना किया था, मैंने गलती की। माँ अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे शिक्षा मिली है। तो माँ ने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया और उन्हें उसको माफ किया। बोला कि अब आगे से बड़ों का कहना मानना है। और बोला कि बच्चों ने, रिंकी ने खासकर बोला, माँ अब हम जैसा आप बोलेंगी हम वैसा ही करेंगे। और इस तरह से ये कहानी, छोटी सी कहानी, दो जानवरों की कहानी समाप्त करती हूँ। बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें अपने से बड़े, माता पिता भाई बहन सबका कहना मानना चाहिए। कहना मानने में हम सबका जीवन सुरक्षित है। बच्चों, आगे मैं इस हम हमेशा की तरह YouTube के माध्यम से आपका एक्सरसाइज में जो भी काम है लिखकर भेजा करूंगी। आप उसे लिखेंगे और मेरे पास चेक करने के लिए भेजेंगे। धन्यवाद।